हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी क्राइम से थोड़ी हटकर और थोड़ी अजीब है, और ऐसी कहानियाँ बहुत कम सुनने को मिलती है। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहाँ पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रहीं, क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन रोकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था, और वो कारण थी एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले के एक गांव बेघूम उनकोडार की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुनकोडोर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 2530 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुनकोडार उस गांव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वो लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर ये फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा ही स्टेशन बनाया गया जहां कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं है, पर हाँ उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक सा स्टेशन बनाया गया, जिसमें कि एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया स्टेशन मास्टर के लिए। और क्योंकि वो ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज्यादा बड़े स्टेशन की जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुनकोडार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वो खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते ही ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। मैं मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वो वही स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करती थी। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पे एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉय से शेयर की, तो उन्होंने कहा कि ये उनका व्यायाम होगा। फिर अगली सुबह वो पूरे दिन उस लड़कियों को स्टेशन पर ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई दी, और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वो इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी, ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने यह बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनका यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहां से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी ठीक वही बात सबको बताता है। वो कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती वो अचानक उसके साथ दौड़ने लगती। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती तो कभी पटरी पर दौड़ती, और क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, तो वो वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता, और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद वो भी इस जगह से तौबा कर लेता और वापस चला जाता है, और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए वो चला जाएगा, पर वो वापस बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। जब ये बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बेगुनकोडोर में फैली कि स्टेशन पर कोई भूत है, कोई लड़की है, तो धीरे धीरे करके लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया, और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच जाता, पर शाम को कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ रुक नहीं करता। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा, कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे भागते हुए देखा, कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा, और कई लोगों ने बताया कि बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा। उसके बाद जब ये बात रेलवे के ऊपर के महकमों तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने को राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर नहीं गया, मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, पर कोई भी ना तो स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता।
बल्कि गांव वाले अब फिर से वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगी और वहीं उतरते और वहीं से चढ़ते, पर अपने गांव बेघू उनको डर नहीं जाते। तो जिनकी मांग पर कोई स्टेशन बनाया गया ताकि उन्हें सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन पर आना बंद कर दिया। और जब उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नलमैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब, टिकट विंडो पर कोई नहीं और जहां के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया वो भी गायब, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहां पर मैन पावर की जरूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। उसके बाद रेलवे ने बकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों कोई उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता, और उस कारण में इस लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ दौड़ने, पटरी पर दौड़ने और नाचने की बात लिखी गई। तो ये कोई हवा हवाई बात नहीं थी, बल्कि ये बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है।